अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 8th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। माशाल्लाह आप सब इस चीज से वाकिफ हो कि स्क्वायर जो होता है ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज ए क्वाड्रिलेटरल विच इज हैविंग ऑल फोर साइड्स इक्वल। सो इट इज ए, इफ इट इज ए देन ए ए, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर एज एरिया। लेटर ऑफ वी विल कम टू दिस पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव सम पॉइंट्स हियर ऑन द बोर्ड, दैट इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, आफ्टर दैट square root of a number, different types of methods and usage in daily life. So we will go to these points one by one. First of all, square of a number. Square of a number, simply when we multiply a number with itself, the product so obtained is square number. Got it? क्या होता है जब हम किसी नंबर को अपने साथ मल्टीपल करते हैं तो वहां पे जो प्रोडक्ट आता है उसको कहते हैं हम स्क्वायर ऑफ ए नंबर। वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स। सपोज सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन इंटू वन, दैट इज वन। सो स्क्वायर इज डिफाइंड रिटन एज दिस, रीज्ड पावर टू। You have to write square of 5, you will write 5 square raised to power 2. It means we have to multiply 5 two times. So, 1 square is equivalent to 1 into 1, 2 square is equivalent to 2 into 2, 3 square is equivalent to 3 into 3, 4 square is equivalent to 4 into 4. So, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. These numbers are called... These are the squares. 1 is the square of 1, 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4. So this is all about. ये था किसके मुतालिक square of a number. किसी number को का हम square कैसे ढूंढते हैं? जब हम उस number को अपने साथ multiply करते हैं, तो वहाँ पे जो product आता है, that is the square of that particular number. So see, after that, what is perfect square? Perfect square क्या होता है? जब हम किसी number को अपने साथ multiply करते हैं, जो वहाँ पे product हासिल होता है, that is a perfect square number. मैं इस तरीके से समझाऊंगा, अगर कोई number है, for example 9 है, अगर 9 हमें हासिल हुआ किसी नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई करके, तो हम कहेंगे 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ सर्टेन नंबर विद दैट नंबर। ठीक है, सो सी 25, क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है? यस, बिकॉज 25 इज ऑब्टेन्ड बाय 5 इंटू 5, इट इज मल्टीप्लाइड, it is obtained by multiplied a certain number with itself. So perfect square means that number which is obtained by multiplying a particular number by itself. Got it? So we are having some properties of square numbers. Properties of square numbers ko hum kya karenge? We are having properties of square numbers. See, what we will do, 1 square is equivalent to 1 into 1, that is 1, 2 square is equivalent to 2 into 2, which is equivalent to 4, 3 square is equivalent to 3 into 3, which is equivalent to 9, 4 square is equivalent to 4 into 4, 16, 5 square, 5 into 5, 25, 6 square, that is 6 into 6, 36, likewise 7 square, 7 into 7, 49, 8 square, that is 8 into 8, 64, 9 square, 9 into 9, 81, and 10 square, that is 10 into 10, which is equivalent to 100. I will show you the some properties. See, agar koi number end hota hai digit 1 se,
सपोज 11। ठीक, ये किससे एंड होता है, डिजिट वन से। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, सो 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। आपको क्या मिलेगा, जो नंबर एंड होता है डिजिट वन से उसका स्क्वायर नंबर भी एंड होगा डिजिट वन से। अंडरस्टूड? सेम वे अगर कोई नंबर एंड होता है किससे, डिजिट टू से, उसका स्क्वायर नंबर भी किससे एड हो जाएगा, फोर से। आई विल गिव यू द सिंपल एग्जांपल, 12 स्क्वायर, ये बनेगा 144। ये किससे एंड हुआ, टू से। इसका स्क्वायर नंबर किससे एड हुआ, फोर से। आप देखिए इसी तरीके से जो 3 से वो 9 से। अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन यहां पे बताऊं, देखिए जो नंबर्स 1 से और 9 से एंड होंगे उनका स्क्वायर नंबर किससे एंड होगा, 1 से। सी, जो नंबर्स एंड होंगे किससे, 2 से या 8 से, आप देख लीजिए उनका किससे होगा, 4 से। दोनों का जो एंड होंगे 3 से और 7 से उनका एंड होगा 9 से, जिनका 4 और 6 से उनका होगा 6 से, आप देख लीजिए, और जिनका 5 से होगा एंड उनका स्क्वायर नंबर एंड होगा किससे, डिजिट 5 से। सो इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ, देयर आर मेनी मोर प्रॉपर्टीज, यू कैन गो थ्रू द बुक एंड अंडरस्टैंड सम मोर प्रॉपर्टीज देयर। सो नाउ वी विल कम टू द पॉइंट हियर, सी अभी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया स्क्वायर के बारे में। एक्चुअली हम स्क्वायर रूट्स क्यों पढ़ते हैं, डे टू डे लाइफ में इसकी क्या अहमियत है, जहां पे हम जाए तो स्क्वायर रूट का हम इस्तेमाल कहां पे कर सकते हैं। बेटा सपोज ये स्क्वायर जो है इसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, वी हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, वी डोंट नो साइड, सपोज यूजिंग एलजेब्रा वी विल राइट लेट इट साइड इज एक्स, गॉट इट, सो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, गिवन क्या है, एरिया इज हियर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू नो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, सो वी विल राइट साइड इज हियर एक्स, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया दिया गया हमें कितना 25, सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर जाएगा रूट इज 25। इट इज 25, सो एक्स इज इक्वल टू, सो यहां पे ये जो स्क्वायर शिफ्ट हुआ रूट, ये मैं अभी बताऊंगा आपको जब हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ठीक। तो ये रूट हुआ शिफ्ट, अब हमें ये स्टडी करना है हाउ टू फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर, कैसे निकालेंगे हम। इससे पहले मैं आपको एक चीज और ऐड करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर।